आज हम करने वाले इस स्टैंड का अनबॉक्सिंग। इस अनबॉक्सिंग हो चुका है, मैं इसे परचेस किया था अमेजोन से, और कंपनी का कहना है कि इसमें आप 6 जन सो सकते हो। छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ और देखेंगे कि वाटरप्रूफ है या नहीं है, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप डिसाइड करना, बट आपको सब कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, मटेरियल की क्वालिटी से लेकर वाटरप्रूफ है या नहीं है, कितने जन इसमें सो सकते हैं रियलिटी में, और जो कुछ है आपको दिखा दूंगा। और अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है पता है, यूट्यूब क्रिएटर में क्या चाहिए, एक लाइक का बटन और एक सब्सक्राइब का बटन बस वो कर दीजिए। बाकी इसको ओपन करते हैं, फिट करते हैं और क्वालिटी वर्क क्या है, वाटरप्रूफ है या नहीं है आपको दिखा देते हैं। और इसे मैंने परचेस किया अमेजोन से। प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ मुझे 1600 रुपये में पड़ा। अगर 1600 रुपये में जो कंपनी बता रही है अगर ये होता है तो भाई काफ़ी अच्छी डील है, काफ़ी सही है। बस इसे ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। मिला ये क्या बोलते हैं इसको, रॉड बोलते हैं, मेन रॉड, और इसके साथ मैंने टेंट मिला तो इसको लगाते हैं। खबर एक्चुअली मैं अभी गलत लगा रहा था क्योंकि इसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, डिकैथलॉन का जो टेंट रहता है उस पर डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें हुक टाइप रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको अंदर से डालना है। मैं मुझे अभी याद आया, फालतू का मेहनत हो गया, फिर से डालना पड़ेगा। दो फिट हो गए हैं लेकिन बहुत मेहनत लगा, इट्स नॉट ईजी। मैंने जैसे सोचा था कि बहुत ईजी होगा, थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है। तो ये कुछ टेंट है, यहाँ से भी एक आपको क्या बोलते हैं इसको विंडो मिल जाएगा, और उस साइड से आपको छोटा सा एक विंडो मिलेगा। तो चार साइड में मैंने कैसे फिट किया मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, ऐसी रॉड है और यहाँ पे आएगा, दो होल है, एक होल में आपको एक एलन की टाइप मिलेगा, उसको आपको ज़मीन के अंदर डाल देना है। वो मैंने नीचे रख दिया, मतलब घर मेरे पास है लेकिन मैंने घर में डाल दिया। तो ये कुछ ऐसा है, चारों साइड से सेम वैसा है, और आपको एक मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ अंदर से है, ऐसा है एक क्या बोलते हैं इसको, मुझे अब तक नहीं आ रहा, मतलब विंडशील्ड या विंडो, विंडो कहेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ से आपको मतलब जो व्यू है आपको ऐसा व्यू दिखेगा यहाँ से, इसको आप ऐसे पकड़ के रह सकते हो, और अगर समझो मच्छर आ रहे हैं तो इसको आप ऐसा लगा लो, ठीक है। ये दोनों ये मच्छरदानी का काम करेगा और आपको व्यू भी देगा, और इसको हम छोड़ देते हैं तो पूरा ये पर अगर हम बात करें कितने जन सो सकते हैं तो मैं अभी सोच ही देखता हूँ, पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने अपने जगह लेके सो गया, तो यहाँ पर अगर मेरे जैसे की बात करें तो आराम से आराम से 4 जन आ जाएंगे। 6 जन बोला था कंपनी ने, तो यहाँ पर 4 जन सो सकते हैं आराम से, और काफ़ी बड़ा है, देख पा रहा हूँ काफ़ी बड़ा है। और इस साइड से जब सोच तो सो गया, और जैसे आप यहाँ पर सो गए तो यहाँ पर इतना जगह है, करीब इतना जगह है और पैर के पास नहीं है, तो आप यहाँ पर साइड में अपने पैर के पास अपने जो लगेज है लगेज ऊपर रख सकते हो। तो अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं 3 दिन के लिए यूज़ करूँगा, और लगेज काफ़ी रखूँगा तो लगेज ऊपर रख के इसे यूज़ करूँगा। बाकी अब देखना है इसके लिए वाटरप्रूफ है या नहीं है, और इसकी मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ तो मटेरियल ऐसे देख पा रहा हूँ, ये जो अपना रेनकोट में एक मटेरियल आता है, मटेरियल अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्चुअली मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अभी सबसे बड़ा टेस्ट है कि पानी डाल के देखते हैं कि ये पानी सहन करता है नहीं करता है, और अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत आ सकती है नहीं आ सकती, तो पानी लाया, वो पानी डाल के देखते हैं। लाया हमने पानी और डालना चालू कर दें, पर अभी पानी वाला सेशन ख़त्म हो गया, हमने पूरा पानी से भर दिया है, तो अभी देखते हैं होपफुली क्या होता है। अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो भाई यहाँ पर पूरा पानी तो हमने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर एक मटेरियल दिया है और नीचे एक मटेरियल दिया, ऐसे आपको लग रहा होगा लेकिन ये दोनों सेम मटेरियल है, बस उन्होंने कलर चेंज कर दिया है, यहाँ पर एक मटेरियल है और यहाँ पर एक। तो अभी हम टेंट को करते ओपन, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अंदर। तो गाइस ये कुछ हाल है यहाँ के,
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं आपको अंदर जाकर बता देता हूँ। ये देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर देखने को आती है कि इसका जो है ये वाला विंड वाला, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये हाथ से डायरेक्ट निकल जा रहा है, तो ये वाला चीज़ नहीं रहना चाहता था। इसको भी आप जैसे यहाँ पर दिए हो उस टाइप का रहना चाहिए था, क्योंकि जब ज़ोर से बारिश आएंगी तो यहाँ से तो उड़ जाएगा और अंदर पानी आने की आशंका है। और ना यहाँ पर कैसा डायरेक्ट अभी हाथ लगा कर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। त्यावर वालों में बहुत ज़्यादा आ सकती है, जैसे आप बाहर कहीं कपल जा रहे हो, कहीं क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, शादी हो गई, आप बाहर गए हो हनुमान मनाने, सीधी सी बात है, तो उस टाइम में कोई भी आ जाएगा ऐसा उठा लेगा तो सही नहीं लेगा, सीधी सी बात है। हम लड़के लड़के रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई किसी के साथ जा रहे हो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तब ये वाला चीज़ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फटाक से कोई उठा लिया तो देख लेगा। अगर आप ये वाला चेन वाला सिस्टम रहता तो चेन खोलेगा तब तक हमें पता चलता, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात, यहाँ पर पानी देखो, यहाँ पर ऊपर से भी गिर रहा था, ठीक है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है, ऊपर से भी गिर रहा था। दूसरी बात, यहाँ पर नीचे पूरा गीला हो चुका है, तो आपका जो सामान रखोगे पूरा नीचे से गीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है, और पानी का मैंने आपको सिस्टम दिखा दिया, ये कुछ इसका सिस्टम है। तो गाइस, ये कुछ इसका रिव्यू था, आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर मेरी बात करें तो मुझे भाई पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी यूज़ काफ़ी हार्ड है, क्योंकि मुझे यार इसे बाहर लेके जाना है, बारिश में रहना है, और बहुत अलग अलग जाके मुझे कैंपिंग ओवर करना है, तो मेरे हिसाब से मेरी यूज़ में ये फिट नहीं बैठता। आपकी यूज़ में अगर आपको फिट बैठता है तो आप इसे परचेस कर सकते हो अमेजोन से, और इसकी प्राइस है 1500 रुपये। और अगर आपको देखिए जो भी मैंने बताया, अगर उस सब आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस कीजिए। बाकी आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये जो चीज़ें मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये सब चीज़ें मैं रियल लाइफ में यूज़ करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करता हूँ, मैं इसे यूज़ भी करता हूँ, वो आपको दूसरे चैनल में देखने को मिलेगा, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरीके अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। हमारे साथ हमारे दोस्त भी है, ये इसको बार बार आना ही कहा है वीडियो में, आ जा तू भी आ जा तू भी आ जा, तो इसका नाम है टीटू। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं।